श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के कन्वीनर गुरप्रताप सिंह बटाला के वलों एस जी पी सी री इलैक्शन के विच जिस तरीके दे नाल मैंबरां ने वोटां पाईयां उन्होंने लैके वड्डे सवाल खड़े किए ने। सिख पंथ के इलाकों के विच बड़ी हैरानी जिहड़ी है इसनूं लैके जताई जा रही है। जिस तरह के हालातों के विच सिख पंथ गुजर रहा है और वाद विवाद खड़े हो रहे ने, इंज लग रहा है कि वड्डी गिणती दे विच मैंबर साहबान अपनी जमीर की आवाज़ मुताबक वोट जिहड़ी है वह पवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असी उन्हां सारे मैंबरान दे जिन्हां ने बीबी जगीर कौर नूं वोटां पाईयां उन्हां दे असी धन्नवादी हाँ। जिन्हां मैंबरां ने वोटां जथेदार हरजिंदर सिंह धामी नूं पाईयां ने उन्हां दी भी की मजबूरी रही होवेगी, इस बारे भी वड्डे खुलासे जिहड़े होने चाहीदे ने, इस गल की मंग की है। उन्होंने कहा कि सानूं आस है कि वह अपनी आत्मा नूं झंझोड़ के फैसला करन कि पंथ के वधेरे हित नूं मुख रखते हुए फैसला करना सी जां फिर धड़ियां दे विच बज के ही रह जाना सी। बहुतांत मैंबरां ने धामी नूं वोटां पा के जिता दिता, लेकिन उन्होंने जिस व्यक्ति नूं अकाल तख्त वल्लों तनखाइया एलानिया होवे उन्हां दा एस जी पी सी दे उत्ते गलबा तोड़ना जिहड़ा जायज़ नहीं समझिया जाना चाहीदा। इस तों इलावा उन्होंने होर की कुछ कहा, सुन लैंदे आ। सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ जी नूं आख्या कि इस नूं 10 साल वास्ते अकाली दल विचों कढ़िया जावे, हजे तक भूंदड़ साहब ने फैसला लिया नहीं। इवें लगता कि जिहड़ी अपने आप नूं पंथ की मुख धिर समझदी होवे श्रोमणी अकाली दल ते उहदे जिहड़े जिम्मेवार लीडर होण उह अकाल तख्त साहब तो अपना मूंह मोड़ लैण, अज वाले पिट करती अकाल तख्त साहब वल। जदों तां तुहानूं लोड सी तुसीं अकाल तख्त साहब नूं वरत्या, सिंह सरबाना ते जोर पा के तुसीं गलत फैसले लए। अज अगर सारा सिख पंथ इस गल नूं मंदा कि फैसले सही लै जा रहे ने, अकाल तख्त साहब का मान सत्कार संगतां दे मनां च बहुत उच्चा होया इन्हां फैसलों नूं लैके, ते लोकां विच विश्वास बज गया सीगा कि आने वाले समय च जिहड़े फैसले होंगे उह सिधांतां दे मुताबक परंपरा नूं मुख रखते हुए अते जिहड़े असूल ने सिखी दे उन्हां मुताबक होंगे। ते विरसा सिंह बलटोए नूं किसी गल का सबर नहीं आया, ते एडे वड्डे कौम दे जिहड़े हीरे सन उन्हां ते एदां विवाहत उन्हां बारे उन्हां ते इल्जाम ला के उन्हां बारे गल्लां कीतियां, ये बहुत नीवी सोच आ, बड़ी घटिया हरकत आ।